हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फोन लेके इस वीडियो में मैं रवि आज आपको डिफरेंस बताऊंगा कि V3 और V4 या फिर R15M में क्या डिफरेंस है। अगर आपको परचेज करना है तो प्राइस में आज के रेट में डिफरेंस भी आ रहा है। अगर इससे आप ओवर होके इसको लेते हैं, मतलब अभी नए अपग्रेडेशन को लेते हैं, तो क्या आपको बेनिफिट होना है या फिर नहीं होना है, या फिर जो आप 20,000 रुपये या 18,000 रुपये के आसपास बचा रहे हैं उसमें आपको जो है फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं सारे कंपैरिजन्स आपको बताता हूँ कि अगर आप इसको परचेस करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, इसको परचेस करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है या फिर क्या लॉस मिलता है। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत देखें तो हेडलैम्प जो दोनों ही बाइक का चेंज कर दिया गया है, तो आप इसमें जो है अब प्रोजेक्टर LED मिलता है। तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प का अलग ही कुछ मज़ा होता है और यहाँ पर DRLs ऐड कर दिए गए हैं, तो ये इस टाइप से अब दिखती है। अब प्रोजेक्टर का और इसमें हम देखते हैं तो इसमें आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, इसमें कोई प्रोजेक्टर यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। अब प्रोजेक्टर्स और LED में क्या डिफरेंस होता है कि जो LED होता है ना स्ट्रेट एक टॉर्च की तरफ फोकस करती है, तो उसका एक अलग मज़ा होता है कि अगर आप रात में जा रहे हैं तो दूर तक रोशनी जो है वो फोकस्ड होती है, और इसका थोड़ा सा फैला हुआ रोशनी होता है LED का, तो थोड़ा सा अंतर आएगा लाइट के मामले में। तो मुझे कहीं ना कहीं प्रोजेक्टर पसंद है, सभी को पसंद है आज के डेट में प्रोजेक्टर की बात करें तब। बाकी आगे का डिज़ाइन में ये चीज़ को थोड़ा सा आपको महसूस होगा ऐसा कि लंबा कर दिया गया है, तो ये जो है थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये V3 है और ये V4 है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कहीं कन्फ्यूज ना हो। देखने में तो मुझे एक झलक में महसूस ही नहीं होता है कि दोनों में कुछ आगे में डिफरेंस है, लेकिन है। अगर उसके अलावा देखें तो साइड फेसिया में आपकी जो इस पोजीशन की डिज़ाइन है, इस लोकेशन का जो पूरा डिज़ाइन है वो डिफरेंट कर दिया गया है। तो यहाँ पे जैसा ये लोकेशन आप देख रहे हैं, अगर हम सेम चीज़ इस लोकेशन को यहाँ पे दिखाएं तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये डिज़ाइन जो है इस चीज़ को थोड़ा हैवी कर दिया गया है, थोड़ा मोटा हैवी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई गैप नहीं है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, नीचे में इसमें कोई गैप आपको नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे भी आपको इस डिज़ाइन में जो है यहाँ पे जो नट दिख रहा है इसका प्लेसमेंट थोड़ा अलग आपको दिखेगा। अगर सेम चीज़ हम इसमें देखें, एक बार में मैं दिखाने का कोशिश करूँगा आपको कि दोनों एक बार में कैसे दिखा सकते हैं, तो इसके डिज़ाइन में देखिए ये पूरा गैप नज़र आता है, ये पूरा गैप, और इसी के कारण ये टैंक जो है ढीला भी होता था। यहाँ पर भी आप देखिएगा तो गैप नज़र आएगा, और इसका कुछ इस टाइप का जो है आगे का ये डिज़ाइन है, इसका नट का प्लेसमेंट थोड़ा डिफरेंट है अगर इसके मामले में बात करें तो। ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि बस स्टिकर चेंज करके फेसलिफ्ट निकाल देती है, ये जब चेंज करती है तो इसमें मेजर चेंजेस आपको फाइनली दिखते हैं। आप देख रहे हैं कि इस पोजीशन पे भी एक LN की से नट जो है वो दिया गया है, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं नीचे की ओर दिया जाता था, तो उसके लोकेशन को इस लोकेशन पर चेंज कर दिया गया है, तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। इंडिकेटर्स जो है वो या तो इनबिल्ट देने चाहिए थे या तो LED देना चाहिए था, तो ये कहीं ना कहीं अपडेट नहीं किया गया, तो मुझे लगता है कि कहीं दिक्कत मतलब थोड़ा करना चाहिए था। चलो ठीक है, चलता है, डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। अगर हम नीचे आ जाते हैं तो जैसा कि आप इसके डिज़ाइन को देख रहे हैं, अगर आप M लेंगे तो यहाँ पे सभी जगह पे स्टिकर फिल आउट रहेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये V4 है, बाकी इस जगह को आप जो देख रहे हैं तो यहाँ पे इस टाइप का कुछ डिज़ाइन आपको मिलेगा एकदम सेम कॉन्सेप्ट के अनुसार, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं नज़र आता है। थोड़ा सा जो इसके स्ट्रक्चर में जो है, एक मिनट, यहाँ पे जो है वो आपको डिफरेंस नज़र आएगा, और इसमें एक कटिंग है पुराने वाले में, जो कि नए वाले में ये थोड़ा सा जो है स्मूथ कटिंग है, मतलब स्मूथ कर दिया गया है यहाँ पे, ये बोल सकते हैं, तो ये चीज़ स्मूथ कर दिया गया, तो वो एक मेज़र डिफरेंस है। अब हम फ्रेसिया की मैंने बात कर ली, अब लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो सेम यहाँ पे तो वही मिलेगा डिफरेंस जो वहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे जो है एक क्विक शिफ्टर आपको ऐड कर दिया गया है, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि आप अप शिफ्टिंग में जल्दी जल्दी क्लचलेस और एक्सीलेटर का जो है कम इस्तेमाल करते हुए बहुत जल्दी जल्दी क्विक शिफ्टिंग कर सकते हैं। वो चीज़ जो है यहाँ पे नॉर्मल हमें गियर शिफ्टर मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब उसके अलावा मैं टैंक ख़त्म करने के बाद इंजन पे आऊँगा, तो इसके टैंक में और थोड़े से शुरू में इश्यूज आए थे, फिर इन्होंने रिजॉल्व कर दिया था VA6 वाले में, तो उसके बाद इसके ये पूरे फेस में तो इशू नहीं आया, लेकिन इसके फिनिशिंग में आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे तो अब वाली इसमें नहीं आ रहा है। जो साइड का पैनल का गैप है, यही मेन गैप अगर आप बोले तो है,
बाकी यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और इसका भी सेम आपको मैं दिखा दूँ, इसी टाइप से देखने में लगता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। जैसा कि आपको इंजन V3 में मिलता है, वो मिलता था 18.6 और 14.1 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, लगभग यही आसपास, और वो सेम आपको V4 में मिलता है 18.4 और 14.1 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। RPM सेम है दोनों का, मैक्स RPM पावर के लिए 10,000 RPM रखा गया है। 6 गियर ट्रांसमिशन मिलते हैं, लिक्विड कूल जो सिस्टम है वही आपको मिलती है, जो आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता था स्लीपर क्लच वो मिलता ही है, और जो ऑफ़र किया जाता था आपके लिए VVA वो भी यहाँ पे आपको ऑफ़र किया ही जाता है। तो ये सभी चीज़ें की जाती है। इंजन में क्या खासियत और है कि इस इंजन के साथ आप जब बाइक को चलाइएगा तो इसके एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन के लिए और सही ग्रिप बनी रहे रोड पे, उसके लिए आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़र किया जाता है, जो कि इस बाइक में नहीं किया जाता है। तो कभी कभी कर्व्स पे या फिर जब हम थोड़े से कर्व लेके जो है रोड पे मुड़ रहे होते हैं पानी वाले इलाके में, थोड़े से कीचड़ में, उस समय ये स्लिप करने के चांसेस थोड़े रहते हैं, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल कहीं ना कहीं इस बाइक को थोड़ा एडवांस बनाता है। तो दो चीज़ें जो बढ़ जाती है, गियर शिफ्टर यानी क्विक शिफ्टर और ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये जो फेडिंग का नया लुक है जो कि ज़्यादा कसा हुआ और मजबूत सा लगता है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल यहाँ पे नज़र आता है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स की जगह USD फॉक्स दिया गया है, अपसाइड डाउन फॉक्स दिया गया। अगर आप इसको M में लेते हैं तो ये कलर जो है वो कॉम्बिनेशन आपको चेंज मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टेलीस्कोपिक फॉक्स आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। तो टेलीस्कोपिक फॉक्स के मुकाबले कहीं ना कहीं USD फॉक्स आपको, जो कि डिमांड है आज के डेट में, तो बाइकर्स को लग रहा है कि अब इतना तो आप देख लिया, आपने तीन चीज़ जो है वो मेजर चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको इसमें नहीं है, दूसरे कॉन्सेप्ट से अवेलेबल है, मतलब दो चीज़ तो है ही नहीं, तीसरी चीज़ जो है वो टेलीस्कोपिक वो दूसरे कॉन्सेप्ट से अवेलेबल है, इसमें अलग दिखेगा आपको। उसके अलावा यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता था वो आज के डेट में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो कैसा आता था, बस यहाँ पर RPM का जो है 7000 RPM पे ब्लिंक करता था कि आपका VVA एक्टिवेट हो गया है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करें तो इसका तो अलग चार्म है भैया, ये आप देख रहे हैं इस तरह से, और गियर पोजीशन इंडिकेटर पूरा चेंज कर दिया गया है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे दी गई है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दे दिया है, ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल दे दिया गया है कि आप ऑफ भी कर सकते हैं ऑन भी कर सकते हैं, बटन ऑन करना है, व्हील स्पिनिंग करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है तो उस समय आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करके कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन में ये सारी चीज़ें नहीं होती है, तो वो सारी चीज़ें अपडेट कर दी गई है। और अगर इंस्ट्रूमेंट कंसोल नया अपडेट किया गया है और उसमें फीचर्स ऐड किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आप इस बाइक को परचेज करते हैं इन कंपैरिजन टू दिस बाइक। अगर उसके अलावा हम देखें तो उसके अलावा ऐसा बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं है। अगर आप स्विंग आर्म देखिएगा या फिर पीछे के यूनिट लिंक शॉकर्स देखिएगा, जो कि बहुत सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, यूनिट लिंक शॉकर आप देखिएगा, जो रियर का मोनोशॉक शॉक एब्जर्वर मिलता है आपको, या फिर आप ये स्विंग आर्म देखिएगा, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसके मेडिकल सॉरी कवर्स को देखिएगा और इसके कवर्स को देखिएगा तो ये थोड़ा छोटा कर दिया गया है, थोड़ा डिज़ाइन चेंज किया गया है, क्योंकि यामाहा का डिज़ाइन चेंज करने का आदत है कि अगर आपको फेसलिफ्ट मिल रहा है तो कुछ चेंजेस उसमें दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि बस ब्लैंक 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 आपको दे दिया जाएगा स्टिकर चिपका के, तो वो चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिल रही हैं। रेडियल ट्यूबलेस टायर 140 सेक्शन का इसमें भी आपको मिलता है, पुराना वाला आप लेते हैं या फिर नया वाला लेते हैं, दोनों में कोई ऐसा कमी और कोई ऐसा एडवांस चीज़ नहीं दिया गया है टायर्स में, आपको सेम टाइप के टायर्स दोनों में ऑफ़र किए जाते हैं। इवन जो डिस्क ब्रेक और ABS का जो फैसिलिटी है वो भी आपको सेम ऑफ़र किए जाती हैं, दोनों में ही आपको ऑफ़र किया जाता है डुअल चैनल ABS, आगे का डिस्क ब्रेक 282, पीछे का डिस्क ब्रेक 220 और ABS के साथ, यानी दोनों चक्के में अभी का ABS भी वर्क करेगा। अब हमारा डिसीजन आ जाता है कि चलिए समझ गए हैं सब कुछ, सीट यूट का भी डिज़ाइन जैसे कि यहाँ पे कि यहाँ लगता था, इसका बैटरी का कनेक्शन का डिज़ाइन अलग था, वो सारी चीज़ें यहाँ के मुकाबले यहाँ पे चेंज की गई है, इसका सीट थोड़ा कंफर्टेबल रखा गया है, इसके क्लिप ऑन हैंडल बार USD फॉक्स के कारण अब अलग दिखते हैं। एक बार मैं आपको इसका फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये V4 है और इसका फ़ोटो दिखाता हूँ, ये इस तरह का डिज़ाइन दिखाई देगा। तो इनमें बहुत सारे ये डिफरेंसेस किए गए हैं, इसके थोड़े से बैठने पे एक झलक में आप देखिएगा, मैं इसको बैठ रहा हूँ, ठीक है, अब इस पे मैं इस तरह से बैठता हूँ, आप देखिए ये V4 है और जस्ट झटके में मैं इस पे बैठता हूँ V3 है, तो देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा लग रहा है जैसे पैर मेरा ज़्यादा खड़ा हो गया,
और थोड़ा सा मैं झुक गया, तो एकदम लिटिल बिट डिफरेंस है कि आप इस बाइक में थोड़ी से ऊँचे भी रहते हैं, तो वो भी थोड़ा सा एक बेनिफिट है हमारे इंडियन लोगों के लिए कि वो लोग थोड़ा सा मल्टीटास्किंग यूज़ करते हैं बाइक को, कि अगर आपके घर में बाइक है तो दो तीन लोग तो इस्तेमाल करते ही हैं मोस्टली, तो उन केसेस में इस बाइक में वो भी एक एडवांस चीज़ें मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि वो जो 18 से 20,000 का जो चेंज है वो यहाँ पे प्रैक्टिकल है, आपको उन वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती है कंपनी की तरफ से कि हाँ हम आपसे अगर पैसे ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे दे रहे हैं। अब 155 सीसी के जो इंजन है इसके साथ आपको माइलेज भी डिसेंट मिल जाता है, अगर आप इस बाइक को लीजिए तो भी आपको 45-50 माइलेज मिल जाता है, इस बाइक को भी लीजिए तो भी आपको 45-50 माइलेज मिल जाता है, मतलब 50 का माइलेज आपको ऑफर कर दिया जाता है दोनों ही बाइक से, और अगर आप बहुत अच्छे से चलाते हैं तो दोनों से आपको 50 से भी ऊपर का माइलेज बहुत लोगों को मिलता है, बहुत लोग उठाते भी हैं इससे, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो बस इसको बहुत तेज चलाना पसंद करते हैं जिसके कारण माइलेज रिड्यूस होता है, लेकिन आराम से चलाने पे ये 50 के आसपास माइलेज आराम से दे देती है, 50-55 इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अब और ऐसा मैं डिफरेंस आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं। 18 से 20,000 रुपये अगर आपको लगता है कि आपको क्विक शिफ्टर आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा रेसिंग में इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पे क्विक शिफ्टर आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप हाईवे वे पर राइड करते हैं, थोड़े से ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पे टायर स्लिप करने के चांसेस रहते हैं, या फिर नॉर्मल भी अगर आपको लगता है कि ट्रैक्शन कंट्रोल आपके लिए यूजेबल है, ट्रैक्शन कंट्रोल की एक वीडियो देख लीजिएगा कोई भी कि ट्रैक्शन कंट्रोल किस तरीके से काम करता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्लिपेज के चांसेस कम हो जाते हैं, तो ट्रैक्शन कंट्रोल अगर आपके लिए यूजेबल है तो वहाँ पे भी आप इसको ले सकते हैं। USD फोक्स जो कि देखने में इस बाइक को काफ़ी प्रीमियम बनाती है उस कंडीशंस में ले सकते हैं। इसके मोबाइल में जो ब्लूटूथ कनेक्टिंग फीचर है वो FZ जैसा नहीं है, उससे काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको फीचर्स चैट्स मैसेजेस ETC देखने को मिल जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशियल है। थोड़ा सा सीट हाइट और जो हैंडल का पोजीशन है उसमें थोड़ा चेंज है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आपको लग रहा है कि 18,000 ज़्यादा देके आप इन सभी चीज़ों का सुधार ले सकते हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस बाइक को परचेज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा फिट एंड फिनिश जो है वो भी यहाँ पे मैटर करता है कि अगर आप उसको भी अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो उस कंडीशंस में भी आप इस बाइक को, यानी इस बाइक को वर्जन 4 या फिर R15M दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। M इससे 4,000-4,500 महंगी पड़ती है, तो आप ले सकते हैं। वैसे तो एक चीज़ है कि ये एक शौकिया बाइक है, तो उन कंडीशंस में ज़्यादा यही मैटर करता है कि आप जो भी इसका अपडेटेड वर्जन है वही परचेस करें। तो टेस्ट राइड के लिए आप यति यामाहा आ सकते हैं, पटना में अगर आप रहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो दोनों बाइक आप आके देखिए कि आपको कैसी लगती है। ये बाइक तो सबने देखी है आज की डेट में, जो भी इस बाइक को लेना चाह रहे हैं वो सबने इस बाइक को चलाई भी होगी, देखी भी होगी, पसंद भी होगी, लेकिन इस बाइक को अभी लोगों ने काफ़ी नहीं चलाया है, तो एक बार सिटिंग पोजीशन में थोड़ा सा अंतर है, तो एक बार टेस्ट राइड लेके देखिए कि आपको कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।